तो आ गए आप लोग। ये फरवरी मंथ तो सिंगल लोगों ने अपने रोतलू स्टेटस लगा के खराब किया है, और जिनके सेटिंग हो चुके हैं उन लोगों ने ये बाबू सोना वाले स्टेटस ने खराब करके रखा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे प्यारे निब्बानी भी ये वैलेंटाइन डे बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, ये बात तो सही है, पर ये रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, ये सब सेपरेट क्यों किया गया है? ये सब चोचले करने में आधा घंटा भी नहीं लगता और ये लोग पूरा वीक इसमें खत्म कर देते हैं। निब्बा निब्बियों की सबसे पहले जान पहचान ऑनलाइन होती है। देखो और बताओ ये तस्वीर किसकी है? सुभान अल्लाह, कुदरत की कारीगरी का बेहतरीन नमूना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वही हसीन चेहरा है जिसे आपने इस नकाब में छुपा रखा है। और जब इनका प्रोफाइल पिक्चर और रियल फेस देखा जाए तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। देखना चाहते हो तो लो देखो। मेरे तो लगे मेरे भाई, मारो मुझे। अब ये ऑनलाइन जमाने में सामने वाले की आईडी चेक करना बहुत जरूरी होता है, कहीं वो फेक आईडी तो नहीं है। जब आपके सामने आपका क्रश खड़ा हो, बात करना तो दूर देखना भी मुश्किल हो जाए, ऐसे हालात में जो क्रश गलती से आपको टच कर ले तो क्या होता है? अब तो ये निब्बा निब्बियों के दर्द को समझ के मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी पढ़ाओ अभियान अच्छी बात कही है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए हमारे लिए। क्या आपके पास वैलेंटाइन का कोई ऐसा कार्ड होगा जिस पर लिखो मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे प्यार करता रहूंगा? हाँ जी मिल गया। दे दो, 10 दे दो। एक लड़की पटाने की तो हिम्मत है नहीं, 10 कार्ड लेके क्या करेगा तू? खाली फोकट में पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है? मैं तो बोलता हूँ एक भी मत खरीद, क्योंकि तेरे हाथ में तो एक भी नहीं आने वाली। मोदी जी ने बोल दिया है बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका मतलब पट जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं ना? तो इसी के साथ शुरू करते हैं बेमतलब की बातें मतलब के साथ। तो शुरुआत करते हैं रोज डे से। तो रोज डे को गुलाब का फूल क्यों देते हैं? आला मिल जानम, आला फूल का मतलब ना गुलाब का फूल करना, आला मिल जानम। लड़की एक गुलाब से पट जाती है क्या? लड़की पटाने के लिए रोज हो या ना हो रोजगार होना चाहिए। वैसे बात तो सही है, आजकल लड़कियां रोज नहीं रोजगार देखती है, पर इसने इनडायरेक्टली लड़की को तो पटा ही लिया। लड़कियां वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, पर जब प्रपोज करने की बारी आती है तब सारी हवा निकल जाती है। खाली जी, मैं आपसे, अरे कहना क्या चाहते हो, मैं आपसे उधार लेना है क्या? मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं खाली जी के साथ रोमांस करूं। ये रहा नहीं जाता। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगी। अगर वो तुझे मिल गया है ना फिर भी मर जाएगी। समझ रहे हो ना?
भाई वाला कान बंद है मेरा, भाई मत बोल रही है। भाई वाला कान कौन सी प्रजाति के हो, इंसानों में तो ऐसा नहीं होता है यार। बन जा देख क्या यार, नहीं यार कौन सा गाना सुनेगी, चल मेरे मुंह से वो गाना सुना। इस उम्र में कौन सा गाना सुनाएगा तू? तेरे मम्मी पापा को भी खुश रहूँगा, तेरे घर में एक दामाद आएगा, तेरी मम्मी खुश तेरे दामाद से, ठीक है। घर जमाई बनेगा क्या? हाँ तो घर जमाई तो बनना ही पड़ेगा ना, कमा कहाँ रहा है वो। और देख जो होगा मेरी मम्मी को बहू मिलेगी, रानी बना। देख हमारे बच्चे होंगे छोटे छोटे, क्या बोला तूने? हमारे बच्चे होंगे छोटे छोटे बच्चे, अभी तो तेरे कच्चे भी तेरी मम्मी धो रही होगी। मुझे तो लग रहा है अगर इनके बच्चे हुए ना तो माइक्रोस्कोप लेके उनको ढूंढने पड़ेंगे। पर भाई क्या बात कर रहा है, इस उम्र में तो हम हाइड एंड सीक खेलते थे और इन लोगों को तो मम्मी पापा से हाइड होना पड़ेगा। कर लियो शूट है। मैं तुझे कमीज से बोल रहा हूँ, अभी तक मैं तुझे उठा लूंगा। स्कूल बैग तो उठती नहीं है, लड़की क्या उठाएगा। प्रपोज करना है तो शादीशुदा को करो, खाली कुर्सी पर तो कोई भी बैठ सकता है, कुर्सी खाली करवा कर बैठने का अलग ही मजा है, समझ में आया? तुम्हें कैसे पता कि कुर्सी खाली करवाने में बहुत मजा आता है? अच्छा तो तू भी कुर्सी खाली करवा के बैठी थी क्या? समझ में आया? अगर कुछ खिलाना ही है तो चॉकलेट क्या खिलाते हो, कुछ अलग खिलाओ ना। लड़की को पटाना है तो चॉकलेट नहीं गोलगप्पे खिलाओ। देखो तेरी मौजूदगी शाम। अरे यार चॉकलेट के गोलगप्पे नहीं, ओरिजिनल वाले गोलगप्पे। मेरे लिए कुछ भी करोगे? हाँ जी। चांद तारे तोड़ लाओगे? हाँ जी। लोग टेडी डे पे टेडी लेके नहीं आ पाते और ये भाई साहब चांद तोड़ के लाएंगे। हेजी हेजी बहुत कर रहा है, चलो कुछ पूछते हैं। गटर में कूदेगा क्या? हाँ जी। सेलमोन भाई का ड्राइवर तू था क्या? हाँ जी। ढिंचक पूजा का भाई है क्या? हाँ जी। थारा भाई जोगिंदर से इंस्पायर्ड है क्या? हाँ जी। लोग हग डे पे प्यारा सा हग देते हैं। ये तो सच में हक दिया। ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये अल्टीमेटली एक ही चीज पे आके रुकते हैं और वो है मगर इस बार पेंडेमिक में थोड़ा संभाल के, नहीं तो कुछ ऐसा होगा। जुम्मा जुम्मा दे। जब लड़के पूरे साल पैसे बचा के वैलेंटाइन डे के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, और जब वैलेंटाइन डे खत्म हो जाता है हर बार वैलेंटाइन डे पे लड़के ही पैसे निकालते हैं। हाँ, नहीं बस। कितना हुआ? 40 रुपए। तो लड़की से कैसे पैसे निकलवाए ये भी सीख लो। बाकी के 20 कौन देगा? ये देगी और कौन देगा? तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तू करती है? बहुत। ले 40 रुपए दे। नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई।
जब हम इनकी उम्र के थे ना, तब 25 साल वाले लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, और अब हम 25 साल के हो चुके हैं तो इन बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और हमारे पास अब तो मम्मी पापा को भी पता होता है कि एक्स्ट्रा क्लास क्या होती है। आज 14 फरवरी है ना, कॉलेज नहीं गया ना? आज कॉलेज बंद है। कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? नहीं। एक लड़की भी पढ़ा नहीं पाया। इसकी माँ को पता है कि इस पबजी खेलने वाले से पढ़ाई तो होने वाली नहीं है, बस एक अच्छी सी बहू ले आए वो भी काफी है। जब पहला पहला प्यार हो ये सब होने के बाद तो प्यार से भरोसा उठ गया होगा। जब पहला पहला प्यार होता है तब जोश में आके लोग कुछ भी कर लेते हैं। अपने आप को बाहुबली समझ रहा है क्या, जो लड़की को गटर पार करवा देगा? और अब पहला प्यार आखिरी बन जाएगा। हग डे, रोज डे, किस डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, ये सब शादी के पहले के चूचले हैं। हाँ, बाद में तो खाना दे, पानी दे, मोजे दे, चादर दे, चश्मे दे, चाबी दे, और लास्ट में जीने दे, यही सब होवे है। हमें वैलेंटाइन डे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बाबू सोना धनिया पुदीना वाले स्टेटस देख देख के ना बहुत तकलीफ होती है। जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, दिमाग खराब हो जाता है यार। ठीक है ना यार, ये सब बातें अपने तक रखो ना, ये सब दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। बात तो सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें। आपका वैलेंटाइन डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वो लाल कलर वाला बटन जरूर से ग्रे कर देना। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सुन सुना आती क्या खंडाला।